स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है हरीश कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल हरीश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आपको कम्युनिटी टैब मिल चुका है तो आप किस तरह से कम्युनिटी टैब में अपनी पोस्ट को डाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी कम्युनिटी टैब में किस तरह से पोस्ट को डाल सकते हो। बहुत सारे क्रिएटर हैं उनको ये पता नहीं होता, जिनके नए नए 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं और उनको अभी अभी कम्युनिटी टैब मिला हुआ है तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना तरह से बच सकते हैं और किस तरह से अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाल सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीख लेते हैं आज की वीडियो में कुछ नया। तो फ्रेंड आ चुके हैं हम अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि देखिए एक नए यूट्यूबर के लिए उसके 1000 अगर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको कम्युनिटी पोस्ट डालने में दिक्कत आती है। वो पोस्ट को किस तरह से डाले उसके लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करना पड़ता है कि कितना रेशियो लेना पड़ता है और क्या क्या यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसा मैंने यहाँ पर अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है एक थंबनेल को क्रिएट करके और यहाँ पर कुछ टैग्स मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, तो आप इनको किस तरह से लगा पाओगे। दोस्तों अगर आपके अभी अभी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं या होने वाले हैं तो आपके लिए ये इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने ओनली टैग से रिलेटिव यहाँ पर अपने कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई है। यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन भी लगा रखे हैं, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आप इनको किस तरह से लगा सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको मैं अपने पिक्सल लैब से इस थंबनेल को मैं बनाता हूं। तो आपको करना क्या है, पिक्सल लैब के ऊपर चले जाना है। पिक्सल लैब का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या पिक्चर आर्ट से भी इसको बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पिक्सल लैब में आपको चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर एक टैक्स आपको मिल जाएगा। पहले तो आपको इस टैक्स को यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद आपको यहाँ पर एक कलर ले लेना है। यहाँ पर आपको एक कलर चूज करना पड़ेगा, जो कलर आपको अच्छा लगे। वैसे तो यहाँ पर आप ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं, ब्लैक कलर देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी रेशियो नहीं लेना है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा बस वही आपको लेना है। इससे अलग आपको यहाँ पर कोई भी रेशियो नहीं फीड करना पड़ेगा। तो आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अपना एक थंबनेल को ऐड कर लेना है। तो थंबनेल आप किस तरह से ऐड करोगे, यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान मिल जाएगा, आइकन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी गैलरी पर चले जाना है। जो थंबनेल आपने वीडियो के लिए बना रखा है उसी थंबनेल को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बेसिकली एक थंबनेल बना रखा है, तो मैं यहाँ पर उसको ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको ओके कर दिया, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। आपको करना क्या है, इसको फिट स्क्रीन कर देना है। फिट स्क्रीन का मतलब है दोस्तों इसको पूरा आपको मिला देना है और दोस्तों आपको इसको बीच में मिलाना है, पूरा आपको इसको बीच में मिलाना है। और ऊपर नीचे अगर गैप मिल रहा है तो इस गैप को भी आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं आएगी गैप को रखने में। तो दोस्तों आपको इस गैप को इतना ही रख देना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दोबारा से प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पर टैग्स अपने ले लेने हैं। टैग्स लेने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली लिख लेना है कि मैंने नई वीडियो अपलोड कर दी है, प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिए। तो आप उसको अपने हिसाब से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ, नई वीडियो न्यू वीडियो अपलोड, और इसको लिखने के बाद दोस्तों आपको एक इमोजी को यहाँ पर ले लेना है जिससे कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पर आपको इस इमोजी को ले लेना है जो ऊपर की ओर इशारा कर रही है, आप यहाँ पर दो ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों आपको इसके साइज को और इसके फॉन्ट को सेट कर लेना है। तो फॉन्ट को सेट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा फॉन्ट का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो फॉन्ट आपको सबसे अच्छा लगे, जो फॉन्ट आप यूज करना चाहते हैं उसी फॉन्ट के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए।
और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर इसको पूरी तरह से मिला देना है। थोड़ा गैप रखना चाहो तो गैप भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है। अब मैं अगर नीचे कुछ लिखना चाहूँ तो मैं आप यहाँ नीचे भी कुछ लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये खाली जगह रह जाएगी, देखने में बहुत ही भद्दा सा लगेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लीज वॉच दिस वीडियो। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेंगे तो आपको कम्युनिटी टैब से रिलेटिव कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको लिख लेना है प्लीज वॉच दिस वीडियो, जो आपको अच्छा लगे उसी तरह का टेक्स्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा से फॉन्ट के ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर आपको फिर से कोई अपने फॉन्ट को चूज करके यहाँ पर इसको रख देना है। ये देखिए दोस्तों आपको इसको यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद देखिए दोस्तों हमारा काम यहाँ से परफेक्ट हो चुका है। अब आपको ऊपर एक आइकन नजर आ जाएगा, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक सेव एज इमेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इसको अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। सेव टू गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको YouTube पर चले जाना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों आप यहाँ से बाहर से भी इसको अपनी कम्युनिटी पोस्ट को डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों जहाँ पर आप वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ पर आपको एक आइकन नजर आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं या लाइव आना चाहते हैं या आप कम्युनिटी पोस्ट डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक इमेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपकी वही इमेज यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी वही इमेज शो हो रही है, थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लग सकता है। दोस्तों हमारा यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको लिखना क्या है, यहाँ पर आपको अपने वीडियो से रिलेटिव कुछ भी लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिख दीजिए न्यू वीडियो और यहाँ पर आप कुछ यहाँ लगा सकते हैं, कुछ लगाना चाहते हैं एरो वैरो, जो भी आप यहाँ पर अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी वीडियो का एक लिंक शेयर कर देना है, यहाँ पर उसको ऐड कर देना है। तो दोस्तों मैं फिलहाल अपने यूट्यूब को चला रहा हूँ तो मैं YT स्टूडियो से इसको एक वीडियो का लिंक आपको कॉपी करके यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से पता चल पाएगा। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे आता हूँ तो मेरी यहाँ पर वीडियो मुझे देखने को मिलती है। मैं किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ एक कॉपी का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा, हमें इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको दोबारा से अपने YouTube पर चले जाना है और यहाँ पर उस लिंक को आपको पेस्ट कर देना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं उस लिंक को पेस्ट कर दिया हूँ। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए दोस्तों हमारी पोस्ट हमारी कम्युनिटी में पोस्ट हो जाती है। अगर आप उसको देखना चाहो तो यहाँ पर उसको डायरेक्ट देख सकते हो। देखिए दोस्तों हमारी पोस्ट कुछ इस तरह से नजर आती है, आप भी अपने पोस्ट को इस तरह से ऐड कर सकते हो कम्युनिटी में। तो दोस्तों एक और ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आप यहाँ पर शेयर ए स्नीक पिक ऑफ यूर नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ टैग्स मिल जाते हैं ऐड करने के लिए। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर अपने टैग्स को ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने यूट्यूबर से जो आपकी वीडियो को देखते हैं आपके सब्सक्राइबर हैं, तो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप फेसबुक की तरह उनसे बात कर सकते हैं, उनके सजेशन ले सकते हैं, उनसे हर तरह की बातें शेयर कर सकते हैं, उनकी बातें ले सकते हैं कि क्या किस टाइम वीडियो अपलोड करना है और किस तरीके से वीडियो हमें डालना है, किस टाइम डालना है, उनसे आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ अपने सब्सक्राइबर से, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करूँ। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो, मैं हिंदी में लिख लेता हूँ दोस्तों,
तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने कम्युनिटी में एक टैक्स की पोस्ट डाल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक आइकन नजर आ जाएगा। आपको इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये भी इसके बारे में मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता देता हूँ। इस एक ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपने मन हिसाब से टैक्स को ऐड कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा मैं नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करूं, तो आपको यहां पर उनके आंसर भी लिखने पड़ेंगे ताकि आपके सब्सक्राइबर उसको दबाएं और आपको पता चल जाए कि मेरे सब्सक्राइबर क्या चाहते हैं, मैं वीडियो किस टाइम अपलोड करूं और सुबह करूं या शाम को करूं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं AM। आपको बेसिकली समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, आप बड़ा भी यहां पर टैक्स लिख सकते हैं, आप 65 टैक्स यहां पर ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर आप ऐड अनोदर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको बहुत सारे टैक्स आप यहां पर अपनी वीडियो से रिलेटिव डाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको दो ही यहां पर डाल के दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने यहां पर पोस्ट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक किया तो हमारा यहां पर कम्युनिटी में पोस्ट हो चुका है टैक्स का। तो आप कुछ इस तरह से पोस्ट अपनी कम्युनिटी में डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, पोस्ट डालने के बाद अगर आपका व्यूअर यहां पर चाहता है कि मुझे AM में वीडियो चाहिए, तो वो AM के ऊपर क्लिक करेगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके सब्सक्राइबर आपकी वीडियो सुबह देखना चाहते हैं, या कोई PM पर क्लिक करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सब्सक्राइबर मेरे PM में वीडियो चाहते हैं, सुबह चाहते हैं या शाम को चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कम्युनिटी में पोस्ट डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, और साथ में दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि हम अगर नई वीडियो कोई भी अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नए नए कंटेंट YouTube से रिलेटिव आपको टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं डेली नई नई टिप्स और ट्रिक्स आपको इस चैनल पर बताता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी ऐसे ही टेक्निकल टॉपिक के साथ फिर किसी नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए देखते रहो टेक्निकल हरीश यूट्यूब चैनल। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।